स्टूडेंट्स वेलकम टू द सीरीज जेसीबी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की। पोटेशियम परमैंगनेट एक पिंक कलर का सोल्यूशन है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। तो अगर हम इस पिंक सोल्यूशन की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस Mn2+ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली पिंक से कलरलेस एक कलर चेंज ऑब्जर्व है और इसीलिए ये रिएक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस। KMnO4 एसिडिक मीडियम में पिंक सॉल्यूशन, जब ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, ये रही लिस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स की, यही आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनके प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑक्सीडाइज होकर और जो बनेगा वो होगा कलरलेस सॉल्यूशन। तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो सभी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये यूज होता है। इसी के साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी एसिडिक मीडियम में एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके सॉल्यूशन का कलर होता है ऑरेंज, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये ऑरेंज सॉल्यूशन कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में Chromium 3+ का आयन बनाता है और एसिडिक Cr3+ का कलर ग्रीन होता है। तो ये ऑरेंज से ग्रीन कन्वर्जन हो रहा है, ये भी क्वालिटेटिव में आपको इंडिकेट करेगा कलर चेंज से। इसके भी कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएं तो ये ऑरेंज सॉल्यूशन ग्रीन Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा।